हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते और सत श्री अकाल जी। अब नोट किया होगा, पिछले एपिसोड में मैंने कहा था अस्सलाम वालेकुम, बिकॉज वी हैड अ कंटेस्टेंट फ्रॉम पाकिस्तान, और आज सत श्री अकाल बोल रहा हूँ, तो दैट क्लियरली शोज कि वी हैव पंजाबीज एंड सिक्स इन द हाउस। अब देखो, ऐसा है, जब तीन पंजाबीज हु आर डाई हार्ड फूडीज वो तीन एक साथ हों तो चार चीज़ें गारंटीड हैं। पहली है फूड, और बाकी तीन है एंटरटेनमेंट, क्योंकि आज की थीम होने वाली है फन फैक्ट्स अबाउट फूड दैट यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ। तो ये है आज की थीम। अब इंस्टाग्राम पे तो आप लोगों का लव फॉर फूड एंड योर शेफिंग स्किल्स एकदम झलकती है, लेकिन हाउ गुड आर यू विद फैक्ट्स अबाउट फूड, और रादर फन फैक्ट्स अबाउट फूड? मैं हूँ तो सरदार, तो मेरे को ये सब नहीं आता। हमारा ना रैम थोड़ा कम ही रहता है वैसे। प्रोसेसिंग रैम जो बोला मैं, ठीक है यार। तो आज हम चेक कर लेंगे कि किसकी बिरयानी बनती है और किसका रायता फैलता है। दैट्स प्रीटी क्लियर। नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया, माय गॉड, आई मीन वाओ। टमाटर नहीं है, आलू नहीं है, फॉर श्योर। सब्जियां होती कौन सी हैं यार? वही नहीं पता। सुना था पवन जो कल रात बना था वही बोल। कल रात तो मैं बिरयानी और मटन चॉप्स खा के आया हूँ। शूट, व्हाट? लौकी, कद्दू, आई डोंट नो, भरता। ओ, बैंगन, बैंगन, बैंगन ब्रो। यस, तो आपका काफी सही है। प्रॉब्लम ये है कि वो आंसर सही नहीं है। गेस तो काफी बढ़िया है, अच्छा, लेकिन आंसर ये नहीं। अगर यही क्वेश्चन आप मेरी मम्मी से पूछते तो वो बोलती टिंडा। क्योंकि वो जब जब घर में बना है और मैंने मना किया है मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मम्मी ने कहा आज तू खा के, आज खा के। मैंने कहा ये वैसे ही बनता है जैसे हमेशा बनता है, बट इफ आई हैव टू टेक अ गेस तो मैं बोलूंगा wild guess, ghiya. The right answer is Indian pumpkin, kaddu. Kaddu is apparently our national vegetable. I said kaddu, but in a joke. I was like, kaddu kahan hoga yaar? I think bread is one of the most oldest items of food that we as a civilization have been making, is my sense. So, मुझे लगता है ये वो जगह होगी जहाँ पे old civilizations settled हुई हों, like Mesopotamia and all that. So, my guess out of these options is going to be Egypt. अगर टर्की चूज किया होता ना तो वो आंसर गलत होता। इजिप्ट इज द राइट आंसर। ग्रेट स्टार्ट, और वो भी विद लॉजिक, मतलब तुक्का नहीं, कद्दू नहीं बनाया तुमने, इसका लॉजिक लगाया। सर, इट्स मिडनाइट सैटरडे नाइट, आई एम ऑन माय हाईएस्ट पोटेंशियल। दैट विल बी हनी। हमारे घर में तो डाबर हनी खराब हो जाता है यार। दिल्ली में कुछ नहीं बचता है। मुझे आई थिंक पवन का आंसर ठीक लग रहा है, हनी। आई थिंक नेचुरल फॉर्म ऑफ हनी वुड नॉट लाइक, उसमें आप कुछ मिला दोगे मिलोगे तो अलग बात है, बट खालिस मधुमक्खियों का जो मधु है वो मेरे ख्याल से पवन का आंसर मेरे साथ। भाई, अब दो फूडीज ने बोल दिया तो मैं कौन होता हूँ गलत बोलने वाला। हनी इज द राइट आंसर। भाई क्या बात है, दिल्ली में शाम को, मतलब आप ऑफिस से फ्री हुए हो या कहीं से भी आ रहे हो तो यू गॉट टू हैव अ ड्रिंक एंड सम तंदूरी चिकन विद इट, थोड़ा सा प्याज कटा हुआ, हरी मिर्च साथ में, नींबू ऊपर डाल के, थोड़ा चाट मसाला का डालना तो डाल लो। लेकिन यार अब आप ना सेंटी करवा रहे हो। पाकिस्तान तो नहीं हो सकता, बिकॉज पाकिस्तान बना ही 47 में है, तो अगर ओरिजिन होगा तो पहले के टाइम का ही होगा, तो आई डोंट, मे बी आई डोंट नो, मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग। चिकन आई थिंक इंडिया में लाया मिडल ईस्टर्न इन्फ्लुएंस से ही है,
आई एम नॉट श्योर उससे पहले तंदूर और तंदूर की टेक्निक इतनी यूज होती थी इंडिया में. सो माय गेस वुड बी दैट दिस वुड हैव बीन आई थिंक ईरान. तो तंदूरी चिकन दिल्ली का स्टेपल है ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन तंदूरी चिकन ईरान से आया है ये बात बिल्कुल गलत है. बट दैट्स नॉट द राइट आंसर. इट्स फ्रॉम अफगानिस्तान. अफगानिस्तान कॉन्फिडेंस से तो लग रहा है. कॉन्फिडेंस के तो फुल मार्क्स है, आंसर के जीरो मार्क्स है. क्योंकि अफगानिस्तान से भी नहीं है, ईरान से भी नहीं है, इंडिया से भी नहीं है. तंदूरी चिकन आया है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से. पाकिस्तान में भी स्पेसिफिकली पेशावर. मैंने तो जब फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मुझे लगा मैगी रोकोफोबिया. मैगी को कोई नहीं रोक सकता. I have no idea what this is, but I'll take a wild guess. Fear of sour food, I think. तो some people do have fear of sour food. So sour foods का एक फोबिया होता है. Unfortunately, वो मैगी रोकोफोबिया नहीं होता. अच्छा. मैं इसमें अपना थोड़ा क्या कहते हैं एंट्रेंस एग्जाम वाला दिमाग लगा रहा हूँ कि जो दो बड़ी सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस होती हैं उनमें से ही कोई एक होता है. तो इसमें दो फूड्स की ऑप्शन है, एक है स्वीट फूड्स और एक है सावर फूड्स. तो पवन ऑलरेडी सेड सावर फूड्स, तो मेरा माइंड जो है वो थोड़ा स्वीट फूड की तरफ जा रहा है. फियर ऑफ कुकिंग तो खैर बहुत लोगों को होता है, मुझे लगता नहीं उसको मैगरियोकोफोबिया कहते होंगे, बट उसको कहते हैं हुन आज मैं नहीं बनाना. बट उसका अगर साइंटिफिक नेम है तो मुझे नहीं पता, बट दैट्स व्हाट आई हर्ड. बट आई थिंक या मेरे ख्याल से आई वुड लाइक टू गो विद फियर ऑफ स्वीट फूड. लॉजिक तो तुम्हारा बड़ा सही है अभिनव. अनफॉर्चुनेटली आंसर गलत है. आंसर है हुन आज मैं नहीं बनाऊंगा. आंसर है फियर ऑफ कुकिंग. आह वाव. फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट तो लग रहा है कि बहुत दिमाग लगा है इसमें. तो पहले तो मैं उसके लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा जहां से भी ये पजल आई है. लेकिन मैं इसमें एक एक्चुअली क्या इसमें जो पार्ट्स हैं डिफरेंट, मैं उसमें से कोई पार्ट को उठा के डिसाइफर करना चाह रहा हूं और फिर उससे बाकी चीजें लिंक करना चाह रहा हूं. तो आई एम लुकिंग एट 5/2. जो 5/2 होता है 2.5 विच इज ढाई. तो के और ढाई हो गया कढ़ाई. उसके आगे है पी और उसके आगे है नलका. आई नो व्हाट दिस इज. तो ये पानी जो है ये है पानी, लेकिन आपने इसमें हमारा हिंदी का भी ज्ञान लिया है. ये पानी जल भी है और अगर आपने इंडियन रेलवे में ट्रैवल किया तो ये नीर भी है. तो याद है वो बोलते हैं रेल नीर मिलता था, ये नीर है. तो ये है कड़ाई पनीर. ऐसा थोड़ी होता है यार. लड़की डॉलर ये ला लड़का और डी इज बहुत नॉटी सा मतलब वर्ड आ रहा है मेरे. दौलत की चाट अवार्ड. Good attempt, लेकिन इसमें डॉलर तो चलो डॉलर बना हुआ है तो मैं समझ गया, चाट कहाँ से बना है? देखो लड़का लड़की साथ में है, क्या कर रहे होंगे, शाम को चाट ही खा रहे हो. तो चाट यार देखो तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इतनी जरूरी है हमें यार. ये बहुत टफ है. मैं मतलब सबसे अपना दिमाग इसमें लगा रहा हूँ बट कुछ बन नहीं रहा. ये डिफिकल्ट है. लड़के का और क्या हो सकता है, पुरुष पर पुरुष को थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा इसमें. लव पुरुष लड़का मर्द लमर्द नहीं, लमर्द भी नहीं हो पाएगा. आप इसको लड़का लड़की पुरुष नारी सोच रहे हैं, अगर इसको आप मम्मी पापा करके सोच. आई नो नाउ आई नो. कैन आई गो?
हाँ यू वोंट गेट एनी पॉइंट क्योंकि मैंने सब कुछ तो बता ही दिया, लेकिन फिर भी बताओ। मसाला पापड़। इट इज मसाला पापड़। What the hell is patua? One of the leafy vegetables. जिनकी सब्जी भी बनती है, जो मोस्टली साग में, हम लोगों के घरों में तो सिर्फ साग में यूज होता है। जब सरसों का साग बनना होता है तो एज एन एड ऑन उसमें थोड़ा पालक भी डलता है, थोड़ा बथुआ भी डलता है। माई मॉम मेक्स बथुए की रोटी ऑल्सो, लाइक परांठे जो होते हैं जैसे, तो की फिर डाल के ना आटा गूंथ के, बट उनसे पूछा नहीं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। कुछ भी पूछ लेना चाहिए था, हम तो ये पूछते रह गए मम्मी तेल मक्खन और है क्या। मैं सोच रहा हूँ कुछ स्पिनच लाइक कुछ है क्या वैसे साग, तो अनु यू नो व्हाट बथुआ है। I'm kidding. She got tension. अनु ने गाली तो नहीं समझ ली होगी, यू बथुआ, मुझे क्यों बथुआ, क्यों बथुआ। देखो मैं भी फिर अगेन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में जा रहा हूँ, तो मैं इसका संधि विच्छेद कर रहा हूँ, मतलब बात हुआ, मतलब कॉन्वर्सेशन हैपेंड, बट बट आई एम श्योर कि वो आंसर नहीं है। बट इसके नेगेटिव मत देना। देखो मैं तो सिर्फ एक टेंजेंशियल थिंकिंग की तरफ जा रहा हूँ, बाकी आप ये ओवर टेंजेंशियल हो गई थी। तो खैर ये मैं एक्सपेक्ट, अगर ये पता होता तो मतलब मैं यहाँ सर फोड़ लेता कि ये कैसे पता है। तो बथुआ का इंग्लिश नेम है एक्चुअली गूस फुट। ओ तेरी, नेवर, आई वुड हैव नेवर फिगर्ड इट आउट। आप छोड़ दो, अभिनव छोड़ दो, ये तो अगर बथुए को बोलो ना कि भैया तेरा इंग्लिश नेम गूस फुट है, बथुआ मुरझा जाएगा। My foot. My foot. Atta, chini, ghee and banana. Sare milake. Caramel and banana ka mix kuch ho gaya. Banofi, nahin, wo to coffee ho gaya. Bread pudding. Banana bread pudding. पवन के लाइन ऑफ थॉट से सोच रहा था लाइक अ बनाना क्रम्बल और समथिंग, बट आई डोंट नो, आई डोंट थिंक वो है। नहीं, आई डोंट हैव एन आंसर, आई विल से बनाना ब्रेड ओनली, मतलब पवन का आंसर जो था, आई डोंट थिंक I can think of anything. I just can't believe it. आप दोनों ने सही आंसर अपने मुंह पे बोला और छोड़ दिया। It is banana crumble. What else can it be? I said crumble banana crumble. Crumble का texture क्या होता है? I said banana crumble. Like panini. You, but I said final answer. You said it could be banana crumble, banoffee pie, but you never picked that answer. And even he did the same. हमने थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा दिया actually. हाँ. इससे पहले इतने टफ क्वेश्चन थे, मैंने बोला इतना आसान तो नहीं हो सकता। क्या मतलब ऑब्वियसली इसमें ग्रेवी नहीं है, तो दिस इज समथिंग विद ओनली राइस एंड फिश, फिश एंड राइस, फिश एंड राइस। आई एम श्योर मैं टेक्निकली करेक्ट हूँ, बट डिश का नाम वो नहीं है। सुशी, I think it's sushi. Oh, 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 oh. Damn, yaar. मैं out of the box होने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही out हो गया मैं. Box ही क्या कहाँ पड़ा है? Tie, हम happy है ऐसे ही tie. अब बातचीत कर रहे हैं. End में जीत खाने की होगी, तो ये वही point. रुला यार, चना भटूरा यार. हमारा ये routine है चना भटूरा का. पवन देखो क्या है कि इसके बावजूद रियल विनर आप हो, क्योंकि चने भटूरे आप खा रहे हो।